हाय दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए नारियल की चटनी की रेसिपी को लेके आई हूँ। बनाने में बहुत ही आसान है और कुछ ही मिनटों में आसानी से बन जाती है। तो जब भी आप इडली, डोसा या मेदू वड़ा बनाते हैं तो इसका इंस्टेंट यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस नारियल की चटनी की रेसिपी की शुरुआत करते हैं। मेरे चैनल अर्थ किचन को सब्सक्राइब करें, यम्मी रेसिपीज़ को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज की रेसिपी की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर नारियल की चटनी बनाने के लिए मैंने 1 कप फ्रेश नारियल को लिया है और उसको यहाँ पे टुकड़ों में काट के मिक्सर ग्राइंडर में एक बार ग्राइंड कर लेंगे ताकि हमारी चटनी जो है बहुत ही आसानी से बन जाए। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से ग्राइंड हो चुका है। तब हम इसके आगे के प्रोसेस की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून मूँगफली ली है, उसका जो छिलका है वो उतार दिया है। यहाँ पर मैंने कच्ची मूँगफली का यूज़ किया है। अब यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून जो चने की दाल ली है उसको 3 से 4 घंटे पानी में भिगा के रख दिया है, उसको पानी के साथ ही डाल दिया है। उससे हमारी चटनी बहुत ही यमी और टेस्टी बनेगी। तो यहाँ पर उसके बाद मैंने बारीक कटा हुआ अदरक लिया है और उसको भी इसके अंदर डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पर मैंने बारीक कटी हुई 2 हरी मिर्ची ली है और उसको भी हम यहाँ पर डाल देंगे। अब यहाँ पे मैंने 1 छोटा चम्मच नमक डाला है। आप चाहे तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर 1/2 छोटा चम्मच चीनी डाली है ताकि उससे नमक और चीनी का जो बैलेंस है वो बराबर हो जाए। अब यहाँ पे मैंने 1 कप पानी डाल दिया है और उसको हम मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारी जो चटनी है वो ग्राइंड हो चुकी है और इसका फाइन पेस्ट जो है वो रेडी हो चुका है। लेकिन हमारी चटनी जो है अब तक अधूरी है। जब हम इसमें तड़का लगाएंगे तभी ये कंप्लीट बनेगी। तो अब यहाँ पे मैंने 1 पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून राई और 1/2 टीस्पून जीरा डाल दिया है। जैसे ही ये राई और ज़ीरा फटने लगे हम इसके अंदर यहाँ पर 2 से 3 सूखी हुई लाल मिर्ची डालेंगे। उससे जो हमारी चटनी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनेगी। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने सूखी हुई लाल मिर्ची डाल दी है। अब यहाँ पे मैंने 10 से 15 फ्रेश कड़ी पत्ता लिया है, उसको भी हम यहाँ पर डाल देंगे। और इन सभी इंग्रेडिएंट्स को यहाँ पर हम मिक्स कर देंगे। तो इस तरह से हमारी चटनी का जो तड़का है वो बनके रेडी है। और इन सभी को मिक्स करने के बाद हमने जो चटनी बनाई थी उसके अंदर इसको मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर इस तरह से इस तड़के को मैंने इसके अंदर डाल दिया है और उसको हम मिक्स कर देंगे। तो हमारी जो नारियल की चटनी है वो कंप्लीटली रेडी है। तब आप देख सकते हैं कि हमारी जो नारियल की चटनी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनी है और बहुत ही इजी है और बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो अब हम इसके सर्विंग के प्रोसेस की ओर चलते हैं। तो आप जब भी डोसा, इडली या मेदू वड़ा बनाते हैं तो इसका इंस्टेंट यूज़ कर सकते हैं और इसको फ्रिज में 5-6 दिन तक रख सकते हैं। ये आसानी से ख़राब भी नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो बने रहिए इसी तरह की और नई यमी रेसिपी के साथ।